मैं निकल गया हूँ और जा रहा हूँ इधर, सही में पानी नहीं है ऐसा लग रहा था। तो अभी काम चालू है, 4 बजे रसगुल्ला बना रहे हैं। तो रसगुल्ला आप सबके स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और सुबह के पहुंचा हूँ 5 बजे के आसपास और मेरा हालत एकदम खराब हो गया था। और गुवाहाटी में तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इतना ज्यादा गर्मी था, इतना ज्यादा गर्मी था, मेरा 2-3 बार मतलब सीधे चक्कर आ गया, एकदम हालत खराब हो गया था कल। और आज सेम हम लोग के यहाँ भी पूरा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत मतलब एक्सेस गर्मी है यहाँ पे। मैं उठा हूँ 11 बजे और अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो अभी मैं निकल रहा हूँ और मुझे जाना है थोड़ा मोरन से, मैं फिर तिले जाऊँगा, थोड़ा सा काम है तो प्रॉपर से निकल रहा हूँ और जाऊँगा और फिर थोड़ा काम खत्म करके फिर आऊँगा। फ्रेंड्स अभी इसका मुँह पचक गया क्योंकि मैं आ गया और मैं गया था तो फिर इसका मुंह मतलब फूल गया था पूरा। मैं जा रहा था, आप नहीं थे तो मैं क्या की थी, क्या की थी? ओए मैं नहीं था तो मुझको बना ली थी, तो देखिए मेरा पुतला बना ली थी एक दिन के लिए। चलिए फ्रेंड्स निकलता हूँ अब और सीधे चलूंगा तिलोई, देर हो रहा है तो चलिए निकलते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं निकल गया हूँ और जा रहा हूँ तिलोई, बोलाने पर कह रहा था भी जाना है। और इतना ज्यादा गर्मी है मतलब देखे ना वेदर कंडीशन, इतना ज्यादा गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सेस गर्मी है। और अगर इस समय अगर पानी अगर कम पिया जाए ना तो आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अभी तो डिहाइड्रेशन हुआ, तो अभी मतलब अभी के टाइम में आदमी को पूरा पानी पीना चाहिए और जितना हो सके उतना ORS या फिर ग्लूकोन डी ये सब पीना चाहिए। तो ग्लूकोन डी वगैरह भी मैं ले लूँगा थोड़ा सा यहाँ से मोरान से और फिर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी के टाइम में ग्लूकोन डी और ORS अगर नहीं पिएंगे तो फिर पानी बहुत अच्छा होगा। और ऐसा इससे ज़्यादा लेकिन गर्मी है गुवाहाटी में, इससे भी ज़्यादा है से काम है तो प्रॉपर से काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा किलो नॉर्मल मेरा काम खत्म हो गया और यहाँ से निकल दूँ जाऊँगा किलो। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एक्सेस गर्मी लग रहा है, क्या बताऊँ हेलमेट पहन के मतलब हेलमेट पहन लेने और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब हालत ख़राब होकर रखा हुआ है साथ में। तो फटाफट जा रहा हूँ किलो, किलो से काम खत्म करूँगा, उसके हालत ख़राब हो गया। से काम खत्म कर लेते हैं और उसके बाद सीधे चलेंगे घर। फाइनली फ्रेंड्स मैं तिलोई से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ मोरान, मोरान में थोड़ा सामान लेना है लेके फिर सीधे चलेंगे घर। मैं आके पहुंच गया मोरान और कुछ कुछ लेना है एक्चुअली मोरान से, फटाफट से ले लेता हूँ और लेके फिर निकलूंगा और चलूंगा घर। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एक्सेस गर्मी है और गर्मी से हालत ख़राब हो गया, और हेलमेट भी ले लेता हूँ नहीं तो हेलमेट यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये भी गर्म के मारे हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए फटाफट ले लेता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स मैंने सारा सामान ले लिया, इधर ग्लूकोन डी और उसके लिए चॉकलेट लिया हूँ, चॉकलेट नहीं लेने से मुँह खुला लेती है, चॉकलेट इस दुकान से लिया मैंने, पता नहीं क्या नाम है, इस दुकान से लिया तो ले लिया। फाइनली अब निकलूंगा और सीधे चलूंगा घर क्योंकि अब लेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एक्सेस गर्मी है, मतलब अचानक से इतना ज़्यादा गर्मी हो गया हम यहाँ पे, बहुत गर्मी लग रहा है। तो फटाफट निकलूंगा और सीधे चलूंगा घर, उसके लिए चलते हैं। गर्मी लगने लगा था और डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसा लगा था घर शरीर में पानी नहीं है ऐसा लग रहा था और सिर चक्कर चक्कर से आ रहा था, तो रुक गया मैं मैंगो फ्रूट पीने के लिए। मैंगो फ्रूट पी लेता हूँ और फिर निकलूँगा यहाँ से और सीधे चलूँगा घर। खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो ग्लूकोन डी लेके आया हूँ, थोड़ा ग्लूकोन डी पी लेता हूँ, थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना मतलब बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थकान लग रहा है तो थोड़ा ग्लूकोन डी पी लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। 4 बज रहा है अभी और ये धूप देखिए, इतना ज़्यादा कड़ा धूप है ना कि 4 बजने का बात ही अलग, मतलब कोई मानेगा नहीं कि 4 बज रहे, 4 बजे इतना ज़्यादा धूप दिखे। और फिर मिदुला है अभी काम करने के लिए, साइड ऑफ होता ही काम कर बोले सुबह काम करे चला गया था, ठीक है साइड आउट।
इतना ज्यादा गर्मी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हो रहा है। तो ये लोग सुबह आया था, काम किया, फिर 10 बजे तक घर ना घर चला गया था, फिर अभी आया 4 बजे काम करने के लिए। ठंडा ठंडा इतना ज्यादा गर्मी है, मतलब दिन में काम करना पॉसिबल नहीं है ना, क्वेश्चन दिनों तीमान गर्म काम करना पॉसिबल है ना। तो अभी काम चालू है 4 बजे, छुट्टी करने का समय में काम चालू हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा बहुत जोर से नींद लग रहा था। एक्चुअली कहीं भी बैठ रहा हूँ और मुझे नींद आ जा रहा है। तो बाहर काम वगैरह खत्म हो गया, मिस्त्री लोग चला भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं सोया अभी जाकर उठा रही है, तो मैं उठा हूँ और फ्रेश हुआ हूँ। मतलब अचानक से ऐसा ज़्यादा नींद लग जा रहा है ना कि पता नहीं चल रहा, बैठा हूँ सो जा रहा हूँ। क्योंकि कल मतलब ट्रेवल किया मैंने, अराउंड 25 आवर्स तक सिर्फ ट्रेवल किया है मैंने। बस से गया, बस से आया, रात को तो सो नहीं पाया बस में। उसके बाद दिन भर घूमा बाइक से, तो मतलब पूरा ट्रेवल करके मेरा हालत ख़राब हो गया है। इस वजह से इतना मतलब जोर का नींद लग रहा है कि कब सो जा रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या बना रही देख लेते हैं एक बार, कुछ खा के और पूरा सो जाऊंगा, क्योंकि मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। कुछ स्पेशल बना रही है, क्या बना रही है? रसगुल्ला बना रही है। कटहल का सब्जी बन रहा है फ्रेंड्स, कटहल का सब्जी बन रहा है, रोटी बन रहा है, और इधर रसगुल्ला भी बना रही है। तो फटाफट से खाएंगे और खा के फिर मैं तो सोऊंगा, बहुत जोर का नींद आ रहा है। मैं खड़ा खड़ा सो जा रहा हूँ कहीं पे भी, तो फटाफट खा लूंगा। खड़ा खड़ा सो जा रहा हूँ ना, गर्मी भी है और 2 दिन का आपका हैरेसमेंट है, 2 दिन तक आप सोए नहीं हो, 2 दिन तक बस में ट्रेवल किए हो, क्या करोगे? इसीलिए मैं पटापट से खाऊंगा और सोऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम रसगुल्ला बना रहे हैं। तो रसगुल्ला को मैंने दूध को पहले बॉईल किया, फिर नींबू डाल के उसको छेना निकाल ली। अब थोड़ा देर तक हम लोग छोड़ के रखे, उसके बाद अच्छे से मसल कर फिर गोल गोल रसगुल्ला बना लीजिए। आ रही हूँ अभी रसगुल्ला का चाशनी, रसगुल्ला के लिए चाशनी रेडी कर रही हूँ। देखिए इसमें पानी चीनी डाल के इलायची दो डाल के डाल दी, अभी ये बॉईल होगा तब उसमें हम डालेंगे गोल गोल सुंदर सुंदर रसगुल्ला। मेरे रसगुल्ले की चाशनी रेडी हो गई, अभी हम लोग एक एक डालेंगे इसमें गोल गोल रसगुल्ला। फाइनली मेरा रसगुल्ला बन के पूरा रेडी हो गया है, देखिए सुंदर सुंदर गोल गोल रसगुल्ला है ना। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए से ब्लॉग में। और आज मैंने खाना वगैरह खाया और बहुत जोर का नींद लग रहा है, मुझको इतना जोर का नींद लग रहा है ना आपको बता नहीं सकता हूँ, नींद के मारे में हाल खराब है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए से ब्लॉग में। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिस में रसगुल्ला अच्छा था तुम्हारा, मेरा रसगुल्ला बनाया तुमने जो बनाया था रसगुल्ला अच्छा था।